आदिशा ने मुझे अगले बरस भी परीक्षा देने की हामी दे दी। अरे ना ना समझी सा, मारे को शर्मिंदा मत करो। जो भी हुआ है जो हमारे पोते की मर्जी से हुआ है। हाँ अरे जगदीश, अरे बताना इन सबको कि तू खुद चाहे है कि तारी बींदनी और भी आगे पढ़े, अगले साल भी थारे साथ परीक्षा देने जावे, फिर से सबसे अच्छे नंबर लावे और गांव में उसकी जय जयकार हो जावे। नहीं नहीं पढ़ाना मुझे अपने बींदनी को आगे, नहीं पढ़ाना मुझे अपने बींदनी को आगे, बींदनी को आगे। क्यों कह रहा है? तूने ही तो मुझसे कहा था ना कि परीक्षा दे देना, और दादी सा को भी तो तूने ही मनाया था। पहले कहां सो कहां, अब तो नहीं कह रहा हूं ना। पहले गलती हुई तो हुई, दोबारा ना करूंगा। कोई परीक्षा परीक्षा नहीं दिलवानी। जगदीश ये अचानक क्या हो गया तुझे? तू तो कह रहा था कि बाबू मुझे ध्यान है, बिंदी ज्यादा पढ़ लिख जाए ना तो बीन का कोई सम्मान नहीं रखती है, एड़ी के नीचे दबा के रखती है बस। जगदीशा सुन, तुम थारी भरी हुए बदल गया मन हमारे पोते का, अब हम क्या करें? मैंने तो हां भी कर दी थी छोरी की पढ़ाई के लिए, जिसमें सब खुश उसमें मारा क्यों कलेजा जले? अब क्या करूं, बात तुम्हारे हाथ की ना रही, देख ले बींदनी हरा बींदी ना चाहे कि तू पढ़ाई लिखाई करे। अरे जो ब्रह्मा जी के जहां से लिख के आवे उसे कौन मिटा सके है? तारी किस्मत में लिखा है घर गृहस्थी संभालना, तो संभाल। क्यों बेकार में माथा पच्ची करे? जा जा अपने माँ बापू के लिए नाश्ता पानी लगा।